हे गाइस, वेलकम टू ऑटो रिव्यूसन। आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज मैं यामाहा के शोरूम पे आपको दिखाने ये मोटरसाइकिल। दोस्तों, दिस इज़ द 2023 यामाहा R15M और आज हम लोग इस मोटरसाइकिल का एक फुल रिव्यू आपको देने वाले हैं। तो अगर आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ भी जानना हो तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर से एंड तक देखना बिना कहीं स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम अरुण अंगशालदर और आप देख रहे हो ऑटो रिव्यूज़ का यूट्यूब चैनल। लेट्स गो। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। एंड ये आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ द 2023 यामाहा R15M एंड आज हम लोग इस मोटरसाइकिल का एक फुल रिव्यू आपको देने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की तरफ से। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल के अगर आप लोग ओवरऑल डिज़ाइन की बात करेंगे तो ये आपको सेम ही लुक यहाँ पे कंटिन्यू किया गया जैसा आपको पहले R15M में देखने को मिलता था। तो फ्रंट में सबसे पहले अगर आप लोग हेडलैम्प्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को LED हेडलैम्प, डे टाइम रनिंग लाइट्स का एक पूरा सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप लोग इस हेडलैम्प के थ्रो की बात करते हो तो इसका थ्रो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आपको रात में एक बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर श्योर। उसके बाद जैसे ही आप लोग हेडलैम्प्स के थोड़ा सा ऊपर की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक R15M की बैजिंग देखने को मिल जाता है। एंड साथ में जैसे ही आप लोग और थोड़ा सा ऊपर की साइड को देखते हो तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे कि इस मोटरसाइकिल में आपको एक विंडशील्ड भी ऑफर किया गया है। अब जैसे ही आप लोग थोड़ा सा साइड पे इस मोटरसाइकिल के मिरर्स की तरफ देखेंगे तो जो मिरर्स है यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के बेसिक मिरर्स से ऑफ़र किया गया। एंड और थोड़ा सा अंडरनीथ को जैसे ही आप लोग देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को बॉडी कलर में फ्रंट फेंडर देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइड पे टर्न इंडिकेटर्स माउंटेड देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स के डिज़ाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्लीक डिज़ाइन में इस मोटरसाइकिल का फ्रंट टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो अगर आप लोग टर्न इंडिकेटर्स के टाइप की बात करेंगे तो ये LED टर्न इंडिकेटर्स इस मोटरसाइकिल को ऑफर किया गया है। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस मोटरसाइकिल के फ्रंट टायर की तरफ देखते हो तो इस मोटरसाइकिल के फ्रंट पे आपको MRF का टायर इस्तेमाल किया गया है। टायर साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 180/17 इंच का ट्यूबलेस टायर विद अलॉय व्हील यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में अगर आप लोग बात करते हो फ्रंट ब्रेकिंग के बारे में तो इस मोटरसाइकिल के फ्रंट पे आपको 282mm का डिस्क विद बाइब्री का ब्रेक यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑल्सो आप लोग देख सकते हो कि ये आपका बाइब्री का ब्रेक कैलिपर। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्रंट सस्पेंशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो इस मोटरसाइकिल के फ्रंट पे आपको एक USD फोक का सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद नाउ लेट्स सी द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो जैसे ही आप लोग इस मोटरसाइकिल के साइड प्रोफाइल की तरफ आएंगे और इस मोटरसाइकिल के साइड प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो साइड से इस मोटरसाइकिल को एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड एक कूल सा लुक यहाँ पे देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले अगर आप लोग बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में तो डायमेंशंस आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। एंड चलिए अब साइड प्रोफाइल में क्या क्या एलिमेंट्स देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक यामाहा की बैजिंग देखने को मिलता है क्रोम फिनिश में। एंड थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको R15M की बैजिंग देखने को मिलता है और थोड़ा सा नीचे क्विक शिफ्टर का एक बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आप लोग इस मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट का बैजिंग देखने को मिलता है और उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में फुल टैंक के ऊपर भी आपको एक R15M की बैजिंग देखने को मिलता है जो बेसिकली क्रोम डिज़ाइन में दिया गया है। एंड साथ में यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर में इसका फुल टैंक देखने को मिलेगा। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द फुल टैंक कैपेसिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो इस मोटरसाइकिल में आपको एक 11 लीटर्स का फुल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद जैसे ही आप लोग इस मोटरसाइकिल के सीट्स की तरफ देखेंगे तो जो इस मोटरसाइकिल में सबसे पहले आपको ब्लैक कलर का सीट देखने को मिलता है आप लोग देख सकते हो। एंड सीट्स के ऊपर आपको एक R15M की बैजिंग देखने को मिलेगा।
एंड सीटिंग कंफर्ट की बात करेंगे तो चाहे आप पिलियन की बात करो या फिर राइडर की बात करो, दोनों सीटिंग कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको लॉन्ग ट्रिप्स पे आसानी से थकावट नहीं आएगी। सो गाइज, व्हेन यू टॉक अबाउट द सीट हाइट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो इस मोटरसाइकिल में आपको 815 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है। एंड साथ में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक VVA की बैजिंग देखने को मिलता है। VVA विच इज़ अ वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन का एक बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद जैसे ही आप लोग साइड प्रोफाइल के दूसरे एलिमेंट्स की तरफ देखेंगे तो जैसे ही आप लोग देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को इस मोटरसाइकिल का इंजन देखने को मिलता है एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको यामाहा की बैचिंग देखने को मिल जाता है। सो अगर आप लोग इस मोटरसाइकिल के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक 155 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 कंप्लायंट FI इंजन देखने को मिल जाता है, जिस इंजन पर आपको 18.1 BHP का पावर देखने को मिलता है एंड 14.2 Nm टॉर्क विथ 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ऑल्सो यहाँ पे आपको जो ट्रांसमिशन मिलता है वो क्विक शिफ्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एंड उसके साथ यहाँ पे आपको राइडर फुटपेक्स देखने को मिलता है जो आपको फुल्ली एल्युमिनियम में देखने को मिलेगा। ये आपका रियर ब्रेक एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको जो पिलियन फुटपेक्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद जैसे ही आप लोग इस मोटरसाइकिल के रियर प्रोफाइल की तरफ आएंगे तो रियर से भी इस मोटरसाइकिल को एक काफ़ी ज़्यादा एक कूल एंड एक स्टाइलिश सा लुक यहाँ पे ऑफर किया गया है एंड उसके साथ रियर एलिमेंट्स के अगर आप लोग सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस मोटरसाइकिल का टेल लैम्प। टेल लैम्प की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। उसके साथ थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेल टाइडी देखने को मिलेगा एंड साथ में यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइड पे आपको इंडिकेटर्स ऑफर किया गया है। इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो स्लिक डिज़ाइन में इसका इंडिकेटर मिलता है एंड ऑल्सो ये LED इंडिकेटर्स इस मोटरसाइकिल में ऑफर किया गया है। ऑल्सो थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है और यहाँ पे और दो रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, आप लोग देख सकते हो राउंड शेप में। साथ में जैसे ही आप लोग इस मोटरसाइकिल के रियर टायर की तरफ देखेंगे तो इस मोटरसाइकिल के रियर पे आपको MRF का टायर सबसे पहले देखने को मिलता है एंड उसके साथ टायर साइज़ की बात करेंगे तो 140 60 17 इंच रेडियल ट्यूबलेस टायर विद अलॉय व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। रियर ब्रेकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 220 mm का डिस्क विद निसिन ब्रेक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में व्हेन यू टॉक अबाउट द रियर सस्पेंशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो ये आप लोग देख सकते हो कि इस मोटरसाइकिल के रियर पे आपको एक लिंक टाइप मोनोक्रॉस का सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल्स। अगर आप लोग यहाँ पे कंट्रोल्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। यहाँ पे बेसिकली आप अपने जो डिस्प्ले दिया गया है डिस्प्ले को एक्सेस कर सकते हो इस कंट्रोल के साथ एंड साथ में यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स का स्विच एंड यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच, यहाँ पे आपको पासिंग लाइट एंड लो बीम हाई बीम एक ऑल्टरनेट एक स्विच देखने को मिलता है। मतलब कि सारे कंट्रोल्स आपको एक ही बटन में देखने को मिलता है, लो बीम हाई बीम एंड पासिंग लाइट। और उसके साथ यहाँ पे जैसे आप लोग राइट साइड कंट्रोल की तरफ देखेंगे तो राइट साइड में आपको किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट दोनों अटैच एक बटन देखने को मिलता है। ये आपका हैजल लाइट का स्विच। नाउ लेट्स टर्न ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो जैसे ही आप लोग इस मोटरसाइकिल के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अपडेट किया है R15M 2023 में। तो अगर आपको पुरानी वाली R15M का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर याद था तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट था इस वाले से। तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, डिजिटल टैकोमीटर मिलेगा, साथ में आपको डिजिटल क्लॉक दिखाएगा, साथ में डिजिटल फ्यूल गॉज, दो ट्रिप मीटर, एक ओडोमीटर स्टैंडर्ड फीचर देखने को मिलता है, उसके साथ एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और साथ में इस मोटरसाइकिल में आपको RPM लिमिटेशन लाइट देखने को मिलता है ऊपर और उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा और साथ में आपको एक यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट का फीचर भी यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। साथ में इस मोटरसाइकिल में दो और फीचर मिलता है जो है स्लीपर क्लच और क्विक शिफ्टर, जो आपको पहले भी देखने को मिलता था और अभी भी इस मोटरसाइकिल में वो दो फीचर देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग सुनाएंगे इस मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट साउंड और मैं आपको हर बार की तरह एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यूज़ योर हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो रेडी 3, 2, 1 एंड गो। तो ये इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और उसके साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए,
इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। अगर आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ भी जानना हो या आपके मन में कुछ भी सवाल आ रहा हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम आपके सवालों को जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।